खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 31 जुलाई 2023 के दिन सावन अधिक मास का दूसरा और सावन का चौथा सोमवार लग रहा है। और मित्रों, भगवान शिव की कृपा से इस बार 19 सालों बाद एक ऐसा अद्भुत महासंयोग का निर्माण हो रहा है। साक्षात शिव योग बन रहा है सावन के चौथे सोमवार के दिन, और शिव योग से 5 राशि वाले लोगों पर भगवान शिव विशेष रूप से मेहरबान होंगे। उनका भाग्य उदय होगा, विवाह की समस्या दूर होगी तो कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा। और साथ ही कुछ ऐसे अपन उपाय के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिनको अगर आप सावन के सोमवार के दिन करते हैं तो आप अपने दरिद्रता गरीबी को खत्म कर सकते हैं, साक्षात माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करवा सकते हैं। तो एक एक करते हुए सावन से जुड़ी तमाम जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए मित्रों, 19 सालों के इतिहास के बाद इस बार सावन में अधिक मास का योग बन रहा है, और अधिक मास का जो दूसरा सोमवार है वो 31 जुलाई के दिन है। और दोस्तों, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित करके जो भी व्यक्ति पूजा अर्चना करते हैं, दान पुण्य करते हैं ना, तो उसका जीवन में बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है और बहुत ही जल्द मिलता है। और इस बार अधिक मास के दूसरे सोमवार के दिन साक्षात विष्कुंभ योग बन रहा है। प्रीति योग और रवि योग के साथ ही शिव योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में 4 महासंयोग में से आप किसी भी समय पूजा करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं भगवान भोलेनाथ जी की पूजा की विधि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गो माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गो माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गो माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है, और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है। और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि सावन महीने के अधिक मास के इस दूसरे सोमवार के दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा, और उसको जगह जगह घुमाकर जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहां पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 15 या 20 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है, और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लूट कर आएगा, और यही कटू सकती है। चलिए जान लेते हैं सावन के इस सोमवार के दिन जो अद्भुत महासंयोग बन रहा है ना, उसके मद्देनजर सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मो मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। दोस्तों, सिंह राशि वाले लोगों के लिए भगवान शिव शंकर का यह जो प्रिय महीना है ना, सावन का महीना, इसके दूसरे सोमवार से ही आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। आप इस समय नए लोगों से मुलाकात करेंगे और जिससे आपके संपर्क भी बढ़ते जाएंगे। सिंह राशि वाले व्यक्ति अगस्त में नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा समय से अगर कोई काम अटका हुआ था ना, तो वो भी पूरा होगा, और आपके लव लाइफ में कोई भी नया मेहमान आ सकता है। अगर आप सिंगल है, कुंवारे हैं और आपकी सिंह राशि है ना, तो आपका किसी के भी साथ विवाह का योग भी बन रहा है, और इस साल आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। आप अपने जीवन को लेकर एक नई राह पर जाएंगे। सिंह राशि वाले अपना स्वयं का व्यापार करते हैं, तो आपको बिजनेस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, और अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी
आपको अच्छी इनकम प्राप्त होगी, धन का लाभ होगा जो कि आगे चलकर आपको कोई भी बड़ा और अच्छा पद भी दिलाएगा। चलिए दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनती है ना, वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू धै फै डै और बे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। दोस्तों 31 जुलाई के बाद सावन का जो दूसरा सोमवार है ना, उसके तुरंत बाद भगवान शिव की कृपा से धनु राशि वाले लोगों को अच्छा और मनपसंद जीवन साथी मिल सकता है। अगस्त और सितंबर में आपके लव लाइफ में प्रेम संबंध पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत होंगे। बिजनेस में आप कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं और अपने बिजनेस को और भी ज्यादा आगे बढ़ाते हुए आप एक दूसरे के काम में भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं। आपके लिए सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं। समाज में लोगों के बीच में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार में खुशियां आएगी। धन का लाभ होगा और स्पेशली जिनकी भी धनु राशि है, जिनके ऊपर अगर कोई भी कर्ज वगैरह हो रखा है ना, तो भगवान शिव के आशीर्वाद से और माता पार्वती की कृपा से आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा। भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। चलिए जान लेते हैं अगली यानी कि तीसरी जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों यह ग्रहों का खेल नहीं तो उर क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हां मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है, और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, धन की बचत नहीं हो पाती, कमाते अच्छा है लेकिन बचत बिल्कुल भी नहीं होती, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है या घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपने संपूर्ण जीवन की भविष्य कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं सावन के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना दूसरे सोमवार के बाद, वो आती है मित्रों कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सु से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। दोस्तों कुंभ राशि में अभी भगवान शनि की 7.5 चल रही है, ऐसे में सावन का जो यह महीना है ना, इसके तुरंत बाद आपको सफलता मिलने की संभावना है, आपको अपने पिता से मदद प्राप्त होगी और जो लोग सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं ना, उनके लिए अच्छी खबर आ सकती है। शिक्षा और प्रतियोगिता से जुड़े लोगों के लिए भी सावन का महीना खुशखबरी ला सकता है। जो लोग अपने कार्य क्षेत्र में अभी तक संघर्ष कर रहे थे, उनको शिव की कृपा से अब अनुकूल माहौल प्राप्त होगा, आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल होगा और बच्चों के साथ आप कहीं पर भी बाहर घूमने की योजना भी बना सकते हैं। कुंभ राशि वाले व्यक्ति नौकरी और व्यापार दोनों में ही तरक्की प्राप्त करेंगे, भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। चलिए जान लेते हैं सावन के इस चौथे सोमवार के दिन जो अधिक मास में महायोग बन रहा है ना, उसमें भगवान शिव की पूजा की विधि के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो प्रीति योग बनेगा 31 जुलाई को सुबह 11:04 से शाम को 6:52 तक, विष्कुंभ योग रहेगा 3:01 से रात में 11:04 तक, और रवि योग होगा सुबह 5:42 से शुरू होगा जो कि शाम को 6:58 तक रहेगा। तो इस अद्भुत महासंयोग के दिन दोस्तों सोमवार के दिन आपको क्या है ना कि सबसे पहले तो सुबह सुबह
ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर सूर्योदय के समय भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। अच्छा, नहाने के बाद आपको साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, मलिन या गंदे वस्त्र नहीं पहने। और दोस्तों, आपको जहां कहीं भी पूजा करनी है ना, चाहे घर में या मंदिर में, पूजा स्थान की साफ सफाई जरूर करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और दोस्तों, जहां पर भी पूजा करनी है वहां पर सबसे पहले तो दीपक जलाएं, भगवान शिव का दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल इनसे अभिषेक करें। इन सभी को आप एक साथ मिलाकर पंचामृत भी बना सकते हैं और सभी का अलग अलग भी अभिषेक कर सकते हैं। और उसके बाद भगवान को भांग, धतूरा, बेलपत्र, फल और फूल आदि अर्पित करें और इसके बाद भगवान शिव की आरती करें और इसके पश्चात उनको भोग की सामग्री जरूर चढ़ाएं। अच्छा, एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि शिवलिंग पर भक्तों को कुछ चीजों को अर्पित करना वर्जित माना गया है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर हल्दी, सिंदूर, तुलसी का दल, कुमकुम, रोली, तिल, लाल रंग के फूल, केतकी या केवड़े के फूल और शंख से जल चढ़ाना इस चौथे सोमवार के दिन निषेध माना गया है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों, शिव योग रवि योग का जो निर्माण होगा ना, वो आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करेगा। और हाँ, इस पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और सात्विक चीजें ही ग्रहण करें। मांस, मदिरा, शराब, मछली वगैरह, मीट वगैरह, इनका सेवन आपको नहीं करना है। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों,